अरे छोड़िए ना मैडम, कितने पैसे दिए मोदी जी ने? आप बताइए मैडम, बंद करो, बंद करिए सर, आप मीडिया पर आरोप लगाइए, बंद करिए। आप जो 8 वीडियो कल हमने रिलीज किया उसको चलाइए, 6 दिन चलाइए, 6 दिन सब बच रहा है सर, चलाइए 6 दिन आप कह रहे थे और जाइए खिड़की, खिड़की बंद हो जाएगी, पूछिए कितने पैसे लिए आपने। हमने बहुत बड़ा टीवी चैनल है, उनके रिपोर्टर है, उन्होंने कहा कि मेरे एडिटर ने मेरे को कहा है कि बाहर जाके एक नेगेटिव स्टोरी बनाओ आम आदमी पार्टी के ऊपर, ये दिखाओ कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता खत्म हो रही है। तो कहता है कि मैं सड़क पे पहुंचा, जो पहले 50 आदमी मेरे को मिले, मैंने उनसे पूछा, कहते 50 में से एक भी आदमी आपके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। 50 के 50 आदमियों ने कहा कि हम इस सरकार से बहुत खुश हैं, इस सरकार ने 20 दिन के अंदर इतने काम करके दिखाए जो किसी ने नहीं करके दिखाए, ये तो कुछ पार्टी वाले और कुछ मीडिया वाले इनको काम करने नहीं दे रहे हैं। कहता है लेकिन मेरी मजबूरी थी, बॉस ने कहा था, तो मैंने 2-4 लोगों से जबरदस्ती आपके खिलाफ बुलवा लिया। Broadcast Editors Association now is hitting out at the Delhi Law Minister Somnath Bharti for his comments that he's made on the media. They are demanding now that the Aam Aadmi Party should act against its minister. जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उस पार्टी के लोगों को सोचना होगा कि इंस्टीट्यूशंस को इस तरह डिमोलिश करने के सेंटेंसेस कहना उनके लिए कितना घातक होगा। इसलिए नहीं कि कोई मीडिया रिटेलिएट करेगा, बल्कि इसलिए कि पब्लिक इन चीजों को लाइक नहीं करती जब आप किसी इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करते हैं। इस तरह के आरोप जिसका कोई बुनियाद नहीं है, यह फ्रस्ट्रेशन का ही एक द्योतक है, और यह फ्रस्ट्रेशन मैं ये मानता हूं कि एक इंडिविजुअल का होगा, पार्टी का यह नहीं होगा। लेकिन फिर भी इस तरह के स्टेटमेंट की हम निंदा करते हैं। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन इस तरह के स्टेटमेंट्स को यह मानता है कि ये अनवांटेड है, अनवेरीफाइड है, और लिहाजा इस तरह के स्टेटमेंट से बचना चाहिए, और हम ये अपील करेंगे